से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर जाएंगे अमित शाह। बॉर्डर के पार जवानों के साथ बिताएंगे रात। लखीमपुर मामले में मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे राहुल गांधी का केंद्र से सवाल। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल, आर्म्स एक्ट के तहत 2 केस दर्ज होने पर उठे सवाल। लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी, पूरब से लेकर पश्चिम तक यूपी तक के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एमपी पुलिस के 3 जवान समेत 5 की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्गर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन गोरखपुर के भूगृह केंद्र को 7 करोड़ की लागत से स्थापित किया है। इससे जहां स्थानीय लोक और भोजपुरी कलाकारों को मंच मिलेगा तो वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में लोग भी जान सकेंगे। अर्थ स्टेशन नहीं होंगे और वजह से गोरखपुर के कार्यक्रमों का लखनऊ दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण होता था, लेकिन अब DTH पर भी गोरखपुर दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखा जा सकेगा। सहारनपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में आज विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे सुरेश कुमार खन्ना और वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री, जो इस दिव्यांग समारोह में दिव्यांगजनों के ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन आदि वितरित करेंगे। फरुखाबाद शहर कोतवाली के मोहल्ला आवास विकास स्थित लोहिया मूर्ति तिराहा से पास जिला अस्पताल रोहिया के CMS की तुगलकी परवान आया है, जहां नगर पालिका की जमीन पर दुकान लगाए और फुटपाथ दुकानदारों को CMS राजकुमार गुप्ता ने 24 घंटे में जगह खाली करने की धमकी दी है। अवैध वसूली को लेकर फुटपाथ दुकानदारों पर CMS राजकुमार गुप्ता की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, जबकि नगर पालिका की जमीन से फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के CMS को अधिकार नहीं है। ऐसा है कि लोहिया अस्पताल के बाहर जो दुकानदार, जो चाय वाले और जो समोसों से लगा के जो दुकानदार बैठे हुए हैं, उनको आज CMS लोहिया जो है उन्होंने दुकानें हटाने का बात कही है, जिस पर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। हम CMS साहब से ये पूछना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे उनसे कि 25-25, 30-30 वर्षों से ये लोग यहाँ पे बैठ के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, एकदम से इन लोगों को वहाँ से हटाना, उसके बाद हमें ये बता दिया जाए कि ये अगर ये एकदम से आप वहाँ से हटा दोगे तो ये लोग कैसे अपने परिवार का पालन। आगरा में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की स्कैनिंग हो रही। जिस तरह से विदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, उसे देखते हुए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्कैनिंग की जा रही है, साथ ही शहर में कई स्थानों पर भी जांच की जा रही है। हाँ, आगरा कैंट पे 24 घंटे हमारी राउंड द क्लॉक सैंपलिंग जांच करी जा रही है और स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जितने भी आने वाले यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है, उसमें जो भी लक्षण सहित पाया जाता है उनकी तत्काल यहाँ पे जांच कराई जाती है और मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे टेस्टिंग कराई जा रही है, जिससे जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो शहर में कम से कम। आगरा के खेरागढ़ कस्बे में सेल्स टैक्स टीम ने गुटखा कारोबार के यहाँ छापेमारी की है। छापे के नाम पर कारोबारी ने विभाग के अधिकारियों की जमकर मेहमान नवाजी की है, जिसका वीडियो बनाकर पत्रकार को भी भारी पड़ गया। कवरेज के दौरान पुलिसकर्मी ने पत्रकार से अभद्रता की है और छापेमारी के दौरान सेल्स टैक्स की टीम ने कारोबारी के यहाँ खाना खाते हुए नजर आई। फतेहपुर हुसैनगंज के ब्लॉक विटौरा तिवारीपुर में बने आवासीय कर्तुबा विद्यालय में जिलाधिकारी अपूर्व दुबे ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को पठन पाठन कार्यों में खामियां मिली। खामियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने वार्डन की कड़ी फटकार लगाते हुए कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं।
आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय राया हुसैनगंज का जो औचक निरीक्षण किया गया, यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति देखी गई। बच्चों की उपस्थिति 100 के सापेक्ष 64 बच्चे उपस्थित थे। कमरों की व्यवस्था सुचारू रूप से है, परंतु कतिपय कमियाँ हैं जिनको तुरंत दुरुस्त कराने के लिए बताया गया है। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर इत्यादि को भी ससमय अपडेट करना, साफ सफाई संबंधित जो निर्देश है वो दिए गए हैं। तो तत्काल खबर देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर उमानगर निवासी रिटायर्ड जज दुर्गा प्रसाद जायसवाल के बेटे विष्णु जायसवाल को कोतवाली में पुलिस ने बांधकर पिटाई कर दी, जिसको लेकर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ने प्रदर्शन करते हुए कोतवाल और एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट से लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने जमकर नारेबाजी की। सोनभद्र के मेयरपुर ब्लॉक के खैरी गांव में घर के पास पुलाव में आग लग जाने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सफर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया, और नहीं तो आवासीय मकानों में भी आग फैल जाती। कल जहरा और आज खैरी में आग की घटनाओं से गाँव के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। ओल्ड फरीदाबाद इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुफ्त का खाना खाने आए दो नशेड़ियों ने वृद्ध वेटर पर नुकीली चीज से हमला कर दिया। मौत के घाट उतार दिया गया, और पुलिस के मुताबिक वेटर की हत्या का मामले में दो आरोपियों को 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।